दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा करने वाले अष्टफल की रिक्तियां। इसके पहले पिछले वीडियो हमने चर्चा किया था चतुष्फल की रिक्तियों के बारे में, ठीक है। तो चतुष्फल की रिक्तियों में क्या होता है कि जब अपन द्विविमीय निबिड संकुलन को एक के ऊपर एक रखते हैं, आपको हमने बताया था कि द्विविमीय निबिड संकुलन क्या होता है, एक के बाद एक गोले रखे जाते हैं, है ना, और उनके निश्चित क्रम में नीचे क्या कर दें, गोले रख दें, तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड संकुलन बनता है। और जब इनके ऊपर गोले रखते जाते हैं तो चतुष्फल की रिक्तियां बन जाती हैं। कैसे, यदि मिला दें तो ये चतुष्फल की रिक्तियां बन गया। यहाँ पर क्या एक रिक्ति स्थान हो गया दोस्तों, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिक्तियां बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करें अष्टफल की रिक्तियों को, तो अष्टफल की रिक्तियां किसमें होता है, जब षटभुजी, षटभुजी कैसे बनता है, षटभुजी इस प्रकार बनता है, ये गोले हैं, ठीक है, गोले हैं दोस्तों, ये गोले हैं और इनके बीच में गोले रखे गए हैं, ठीक है, इनके बीच में गोले रखे गए हैं। और ये रिक्तियों को बनाने के लिए अपन जब मिलाएंगे इस प्रकार, तो ये षटभुजी क्या बन जाती है, संकुलन। अब इसके ऊपर एक प्रकार से पुनः गोले रख देंगे षटभुजी, तो इससे जो रिक्तियां बनेगी अष्टफल की रिक्तियां। आपको सिर्फ समझना अष्टफल की रिक्तियों में त्रिज्या का अनुपात। तो हम शॉर्टकट में बनाते हैं एक चित्र कि कैसे बनता है। तो मान लेते हैं चार गोले को लेकर चल रहे हैं, समझिएगा थोड़े से, चार गोला हमने ले लिया, यहां से इसको मिला दिया, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, ठीक है। यहां पर एक रिक्ति है, रिक्ति स्थान, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अष्टफल की रिक्तियां। यदि इसको मिला दें, इसको मिला दें भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, यदि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, समझिएगा, यदि इसकी त्रिज्या, अब एक बात और ध्यान रखना है, क्या पूरा गोला और ये पूरा गोला टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहने का मतलब बीच में क्या है, रिक्ति स्थान। तो इसका यदि बात करें, ये गोला है और ये गोला यहाँ है, समझिएगा बात को, तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर यदि है, इसका स्मॉल आर, तो यहाँ तक आएगा स्मॉल आर और यहाँ तक जाएगा कैपिटल आर, मतलब इसका टू आर और इसका स्मॉल टू आर, मतलब स्मॉल टू आर और कैपिटल टू आर। इससे क्या ज्ञात हुआ, चित्र में आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन हम लिख दे रहे हैं बी डी बराबर स्मॉल टू आर और प्लस कैपिटल टू आर। ये जो बी डी का मान है, ये बी डी का मान कितना हो गया, स्मॉल टू आर और कैपिटल टू आर, रुपम ध्यान दो, ठीक है, बी डी का मान कितना हो गया, स्मॉल टू आर और कैपिटल टू आर, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल टू आर कैपिटल टू आर, किसका मान आ गया, बी डी का मान, इतना समझ में आ गया ना। अब समझना आगे, आगे क्या समझना है, इसका मानना मैंने कैपिटल आर और इसका यदि कैपिटल आर, तो इसका भी कितना होगा कैपिटल आर, तो टोटल बी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बता सकते हैं क्या, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, टू आर, इतना हो गया बी सी बराबर टू आर। अब माना मानते हैं कि प्रत्येक भुजा, माना घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा क्या होती है, ए, प्रत्येक भुजा ए होती है। तो अब हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, बी सी डी, समकोण त्रिभुज, ये बहुत ही इजी है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है बी डी का वर्ग, बराबर लंब कितना अपना डी सी है, तो डी सी का वर्ग, और आधार कितना अपना बी सी है, तो बी सी का वर्ग। हमने क्या बताया कि प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, ये अपन आ गया बी डी की वैल्यू। अब पक्षांतर करेंगे, वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो बी डी बराबर रूट टू ए स्क्वायर, वही कंडीशन हो गया, ए बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट टू ए आ गया, एक इसकी वैल्यू आ गई, बी डी का मान आ गया। अब बी डी का मान मैंने बताया है कितना दोस्तों, टू आर प्लस टू आर, तो स्मॉल टू आर प्लस कैपिटल टू आर, स्मॉल टू आर प्लस कैपिटल 2R बराबर रूट 2A आ गया। दो दोनों में से क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो कितना आ जाएगा, R प्लस R, R प्लस R इक्वल कितना होगा, रूट 2A अपॉन 2, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, करेंगे क्या, इसको अपन क्या करेंगे, भाग देंगे, यहां पर रूट 2 है और यहां पर 2 है, यदि करना है तो भी ठीक, नहीं करना है तो क्या करें आप, R प्लस कैपिटल R अपान रूट टू ए अपान टू ए, समीकरण एक दे दीजिए, ठीक है।
अब आगे क्या समझना है आपको, मैंने बताया कि चूंकि बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर आर और आर कितना है 2R, और बीसी मैंने प्रत्येक भुजा क्या माना ए, प्रत्येक भुजा क्या माना ए, तो ए बराबर 2R या 2R बराबर ए मान सकते हैं पक्षांतर कर दें, तो R बराबर कितना हो जाएगा ए बाई टू, R बराबर कितना हो जाएगा ए बाई टू। समीकरण एक दिया था आपने, समीकरण दो दे दें, हम समीकरण क्या दे दें दो दे दें। अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऊपर का चाहे तो मिटा देते हैं, चित्र मिटा देते हैं, समीकरण दो में एक का भाग दे देते हैं, समीकरण समीकरण एक में दो का भाग देने पर दे दीजिए स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपान कितना हो जाएगा कैपिटल आर, हो गया इतना, और यहां पर कितना हो जाएगा रूट टू अपान टू ए बटे ए बाई टू, ए से ए कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ठीक है, यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो आर अपान कैपिटल आर और प्लस आर से आर कैंसिल तो वन हो जाएगा दोस्तों, यहां पर कितना बचेगा रूट टू, ठीक है, कितना इजी है आगे, ठीक है, आगे अपन कर रहे हैं, देखिएगा आर अपान कैपिटल आर हो गया, वन उधर क्या हो जाएगा पक्षांतर, आर अपान कैपिटल आर, रूट टू का मान कितना होता है 0.414 माइनस वन 1.414, ठीक है 1.414, ठीक है, अब वन यदि घटा देते हैं कितना हो जाएगा 0.414, यही हो गया त्रिज्या अनुपात, ठीक है। तो लाइव क्लास जब पढ़ाता हूँ तभी वीडियो बना देता हूँ दोस्तों, तो ठीक है, आपको बीच बीच में आवाज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझते थे मतलब, ठीक है, तो आज ये वीडियो भी समझ में आया होगा, ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि नए वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।